आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं सीए राजेंद्र अरोड़ा जी। और मैं सर के बारे में क्या बताऊं, आप सब लोगों ने सुना होगा जीएसटी की राह में आपके दोस्त और हमारे दोस्त, दो बार से एनआईआरसी में मेंबर रह चुके हैं और अभी एनआईआरसी जीएसटी कमेटी के चेयरमैन हैं। तो बहुत अच्छी नॉलेज है सर आपको जीएसटी के अंदर, इसलिए हमने आपको बुलाया है अपने यूट्यूब चैनल पर एक बड़े ही मुद्दे के लिए। मुद्दा क्या है कि कल एक सर्कुलर आया, 20 तारीख को एक सर्कुलर आया जिसने सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा ऑर्डर था उसके बारे में क्लैरिफिकेशन करी। तो मुझे ना हमारे सब्सक्राइबर को कुछ सवाल है आपसे, तो मैं उनका जवाब चाहता हूँ आपसे। जी सर। सर पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो हमारा सर्कुलर आया इसके लाने की ज़रूरत क्या थी, और अगर ये लाया गया तो थोड़ा इतना लेट क्यों लाया गया, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कपिल जी मुझे यहाँ पर आपके चैनल पर मौका देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्रों, ये जो सर्कुलर नंबर 157 20 जुलाई 2021 को कल ही आया है अभी, एक्चुअली इसका जो परिपेक्ष है, इसका जो कंटेक्स्ट है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि 27 अप्रैल 2021 को आया, जिसमें आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, ये जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वेरियस डेट्स इन द वेरियस लॉज। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या आई, यहाँ पर समस्या क्या आई, प्रिटेक्स्ट क्या है कि लोगों को ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जीएसटी में कहाँ कहाँ लगेगा और कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। तो सर यहाँ पर जो मेन कन्फ्यूजन हो रही है ना, हमारे पास कई मेंबर्स का फोन आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से कि सर अपील की डेट बढ़ गई क्या, सर नोटिस का रिप्लाई करे या नहीं करे, सर समन आया हुआ है, सर हमारे पास ITC 01 भरे या ना भरे उसकी डेट बढ़ गई क्या, ITC 04 की डेट बढ़ गई क्या, सर लेट फीस क्यों लग रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इसे ना थोड़ा सा क्लियर शब्दों में आप बताएं कि किसकी डेट बढ़ गई है, किसकी नहीं बढ़ी, किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बात पूछी कपिल जी। एक्चुअली समस्या क्या है कि ये जो ऑर्डर था इसका सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया बिकॉज ऑफ दिस कोविड पीरियड, पिछली बार भी जो है 2020 में भी, अप्रैल 2020 में भी इसी तरह का ऑर्डर आया था, उसी का कॉन्टिन्यूशन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास कॉमन एप्रीहेंशंस हैं, डाउट्स हैं कि किन किन चीज़ों पर लगेगा जीएसटी में, कहाँ नहीं लगेगा, उसकी ही क्लैरिफिकेशन एक सर्कुलर 157 में दी गई है। और इन्होंने बताया है कि इनफैक्ट इन्होंने इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लिया है डिपार्टमेंट ने। ओके। और ओपिनियन के बेसिस पे उन्होंने इसको, ओपिनियन के बारे में डिपार्टमेंट ने सर्कुलर में लिखा है कि हमने ओपिनियन लिया और ये हम जो सर्कुलर निकाल रहे हैं इस लीगल ओपिनियन के बेसिस पे निकाल रहे हैं कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी, पहले तो मैं आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी बताता हूँ कि नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पर, किस पर है। बेसिकली मित्रों, आपकी सारी रिटर्न फाइलिंग की डेट्स, स्कूटनी ऑफ रिटर्न के ऊपर जो काम करना है डिपार्टमेंट ने, आपने जो सारे सवाल पूछे, ITC 01 है या कॉम्पोजिशन है या जो भी, और आपकी ITC 04 है, ये सारी डेटें, सम्मन इशू करने की डेटें, शो कॉज नोटिस इशू करने की डेटें, या जितनी भी और एडजुडिकेशन से संबंधित डेट्स हैं जो कि स्पेपरेटली कानून में प्रिस्क्राइब्ड हैं स्टैचू में, वो सारी डेटें एज इट इज है सर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब कुल मिला के ये बात है भाई, मुझे फोन करके मत कहना रिटर्न्स पे लेट फीस क्यों लग रही है, वो लगेगी, वो आपको भरनी है। अगर किसी नोटिस आ गया उसका रिप्लाई आपको देना है, ये नहीं कहना। अगर आपको ITC 01 भरना है 30 डेज के अंदर तो वो आपको भरना है। कंपोजिशन से अगर आपको लेनी है कंपोजिशन तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना है, ITC 04 फाइल करना है। तो भैया ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो सर करना क्या नहीं पड़ेगा, किसकी डेट बढ़ी है, ये एक चीज मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और एडिशन कर दूं अपनी बात में कि आपको ज्ञात होगा कि अप्रैल जो अभी 2021 में जब लॉकडाउन हुआ, नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ, तो अप्रैल से 29 जून, 1 अप्रैल से 29 जून के अंतर्गत जो भी सम्मन्स की डेटें थी, रिप्लाईज की, शो कॉज नोटिस के रिप्लाईज की डेटें थी, वो सारी ऑटोमेटिकली फॉल हो गई 30 जून के ऊपर। 30 जून, इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन अदरवाइज नहीं है। अब ऑर्डर का रिलैक्सेशन क्या है, ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी जीएसटी के कानून में कहाँ है, वो है केवल और केवल अगर आपका कोई कॉजी जुडिशियल ऑर्डर है,
मतलब कोई एडजुडिकेशन ऑर्डर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, कोई शो कॉज आया उसके ऊपर आपका ऑर्डर हो गया, कोई और ASMT 10 हो गया, या कोई और जिसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल करनी है एपलेट अथॉरिटी को, ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो पीरियड है जो रेकन किया जाता है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, और जो पीरियड उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने वो पीरियड इस पर लगेगा। मतलब उतनी ही रिलैक्सेशन केवल अपील के केस में है, अदरवाइज रूटीन के किसी भी प्रोसेस में कोई रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप अपील फाइल करने जाते हो तो पोर्टल आपको कह देता है कि भाई 3 मंथ से ज्यादा हो गए और ये आपकी अपील लेट है, और जब हम उसे सबमिट कर देते हैं, सबमिट के बाद डिपार्टमेंट में जब जाते हैं एक्नोलेजमेंट कराने के लिए विद इन 7 डेज जो हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, तो कई बार जो ऑफिसर हमारे मना कर दिया करते थे अपील एडमिट करने को, तो इस सर्कुलर के आने के बाद वो उसे अपील को एडमिट करेंगे। तो अपील के लिए ये वाला हमारा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम लिमिट है, बाकी और किसी चीज पर ये आपका नहीं लगता है तो बिल्कुल भी गलत फहमी में मत आप रहिएगा। अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग है तो आप उसे फाइल कर लीजिएगा उस ऑर्डर की सपोर्ट में, ये मत समझिएगा कि आपका टाइम लिमिट निकल गया। सर्कुलर के व्याप पर डिपार्टमेंट आपकी अपील को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन नोटिसेस के रिप्लाई जो आपने अभी तक नहीं दिए, ठीक है, समन्स के रिप्लाई आपने नहीं दिए, वहां पर ये वाला केस नहीं लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहा। हाँ जी, ये रिलीफ वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, और सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। तो सर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जो हमारी मैगजीन है, हमारा अगस्त का एडिशन मैगजीन का है, तो इसमें ना आप अपना कुछ आर्टिकल दे, जिससे क्योंकि आपकी जो नॉलेज है ना एक अलग लेवल की नॉलेज है GST में, और एक दोस्ती का ठीक है व्यवहार आता है, तो इस दोस्ती को आगे बढ़ाएं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ये मेरा सौभाग्य होगा, और मैंने आपकी मैगजीन मतलब 2-3 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ, और मुझे बहुत ही यूजफुल लगी है। जिस सिंप्लिसिटी से आप इतनी सारी ही इंटरेस्टिंग बातों को, कॉम्प्लेक्स बातों को जो है प्रेजेंट कर जाते हैं, और इंटरेस्टिंगली हिंदी एडिशन और इंग्लिश एडिशन दोनों हैं आपके, तो मेरे को तो बड़ा बहुत ही सुखद अनुभव हुआ उसको पढ़कर। उसका साइज भी बड़ा कॉम्पैक्ट सा है जिसको पढ़ने में आनंद आता है, तो मैं ज़रूर दूंगा सर इसके ऊपर अपना, जब भी आप चाहेंगे मैं आर्टिकल। बाकी सर मैं अपने सब्सक्राइबर के बेसिस पर आपको टाइम टू टाइम परेशान करता रहूंगा, हालांकि मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि आपने एक अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारी ले रखी है, NIRC में आप मेंबर है, वहाँ की भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस बार आप CCV कंटेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम आपके पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको परेशान करता रहूंगा GST में सब्जेक्ट के लिए कभी भी सर। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि क्या पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके बटन दबा दीजिएगा, और अगर आप भी राजेंद्र सर का आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं हमारे अगस्त एडिशन में, तो अगस्त एडिशन को सब्सक्राइब करा लीजिएगा, ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। और जुलाई एडिशन में हमने ये सर ऑर्डर दिया था, इसकी इंटरप्रिटेशन दी थी, लेकिन अगस्त एडिशन में भी हम इसे दोबारा देंगे पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, सर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.